नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। शादी समारोह में पटाखा छुड़ाते समय दो युवक झुलसे, एक युवक की हुई मौत तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल। बिसंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत पारा गांव में शादी समारोह पर द्वारचार के समय पटाखा छूटते समय दो युवक झुलस गए, जिनको गंभीर हालत में बांदा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया तो वहीं दूसरे का उपचार जिला अस्पताल पर किया जा रहा है। बदौसा थाना क्षेत्र के शाहपुर गाँव के रहने वाले छोटे लाल के पुत्र दीन बंधु की बारात कल गुरुवार को बिसंडा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पारा के मजरा कोठी पूर्वा गाँव गयी थी, जिसमे बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बदेहदू गाँव के रहने वाले राकेश पुत्र भगवान दीन उम्र 19 वर्ष जो दूल्हे के मामा का लड़का था व आशीष पुत्र राम प्रताप उम्र 18 वर्ष निवासी अतर्रा जो दूल्हे के मामा के लड़के आशीष का साला था, ये दोनों शादी समारोह में गए हुए थे। द्वारचार के समय राकेश और आशीष पटाखे छुड़ाने लगे, जिसमें पटाखा छुड़ाते वक्त दोनों ही गंभीर रूप से झुलस गए। जैसे ही आने बारातियों ने देखा तो एम्बुलेंस के द्वारा बांदा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने राकेश को मृत घोषित कर दिया तो वहीं आशीष का इलाज जिला अस्पताल बांदा में किया जा रहा है, लेकिन अभी भी आशीष की हालत गंभीर बनी हुई है। मौत की खबर सुनकर राकेश के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बिसंडा थाना प्रभारी कृष्ण कुमार पांडे ने बताया कि देर रात शादी समारोह में द्वारचार के समय पटाखा छुड़ाते समय घटना हुई। सूचना पर दोनों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बांदा भेजा गया है, जहां राकेश की मृत्यु हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जिला ब्यूरो चीफ बांदा से प्रसाद त्रिपाठी, लाइव टीवी समाचार। कल शाम को ग्राम पारा थाना बिसंडा अंतर्गत एक बारात आई हुई थी। बारात अतर्रा से थाना क्षेत्र से आई हुई थी। इसमें दूल्हे के मामा का एक लड़का जो ग्राम भदेदू थाना बबेरू अंतर्गत था, वो पटाखा छुड़ाते समय विस्फोट होने से बुरी तरह से घायल हो गया और रास्ते में ले जाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। एक और व्यक्ति घायल हुआ है, आशीष, जो खतरे से बाहर है। इसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया है और इसमें किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल एंगल नहीं पाया। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।